बहुत आप लोगों ने बहुत सुना होगा इस चीज़ के बारे में आपके डेली लाइफ में आप उसको यूज़ भी करते होंगे बट शायद आपको पता नहीं चलता होगा ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ गूगल सर्च जब भी आप करते हैं तो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है सेल्फ़ ड्राइविंग कार्स बनाए जा रहे हैं रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो आपका फिंगरप्रिंट या जो आप गूगल पे ट्रांसलेट यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ही बनाई जा रही है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे शुरू हुआ और इसका मकसद क्या है क्यों हमने इस पर काम करना स्टार्ट किया तो जैसे हम लोग जितने आसानी से ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूँ जैसे जितने आसानी से हम बातचीत करते हैं डिसीजंस लेते हैं कुछ भी काम करते हैं तो जब स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर बनाया गया था तो वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे उनको बस ज़ीरो और वन समझ में आता है और जैसा आप उनको बताएंगे करने के लिए वो वैसा ही काम करेंगे अगर आप उनको बताएंगे कि जीरो पे कुछ लिखना है टाइप करना है तो वो आपको प्रिंट करके देगा बट वो अपने से डिसीजंस लेने के लिए कैपेबल नहीं था वो सॉफ्टवेयर तो इसी माइंडसेट के साथ रिसर्चर्स ने कुछ लोगों ने आ, ये सोचा कि जैसे ह्यूमंस डिसीजंस लेते हैं ह्यूमंस आपस में बातें करते हैं ह्यूमंस एक दूसरे को समझ पाते हैं कुछ काम करते हैं वो क्या वो एक सॉफ्टवेयर या कोई एक ऐसे ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं जो सेम चीज़ों को रेप्लीकेट कर सके सेम काम कर सके तो इसी थॉट के साथ एक ह्यूमन रेप्लिकेट बनाने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर या एक सिस्टम मशीन जो इंटेलिजेंट हो ह्यूमस जैसा इसी सोच के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई थी बहुत पहले नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में और उसके बाद बहुत रिसर्च किया गया बीच में आ, फिर रिसर्च कम हो गया बहुत चीज़ें सही से नहीं चल पा रही थी फिर जब सॉफ्टवेयर का बूम आया नाइन्टीन के बाद फिर वापस से लोग यू ए आई काम करना स्टार्ट किए फंडिंग आनी स्टार्ट हुई और लोगों ने इसमें तरह तरह के रिजल्ट्स लाने जब दिखाना शुरू किया लोगों को कि कैसे ए हेल्पफुल हो सकता है इंसान के लाइफ में बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आ रहे थे नए नए इंफ्रा क्रिएट हो रहे थे तो ए अभी आसान हो गया पहले इतना आसान नहीं था मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि आप ए को नॉर्मल तरीके से समझ पाए तो एक बच्चा एक कोई भी इंसान जब एक स्पोर्ट्स के थ्रू मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं आपको सिक्स मारने सिक्स मारना सीखना है तो आप बहुत सारे बॉल्स खेलते हो आपको कोचेस गाइड करते हैं इस तरीके से बैट पकड़ना है इस तरीके से बॉल आएगा इस तरीके से बैट चलाना है फिटनेस की चीज़ें भी होती है तो बेसिकली वैसे ही हम किसी ए को भी बनाते हैं उसको आपको बहुत सारा डेटा देना पड़ेगा उसको आपको बताना पड़ेगा कि वो उस डेटा को किस तरीके से देखे उस पर किस तरीके से एक्ट करे फिर जाके वो आपको वो रिजल्ट देगा और वो इतना इंटेलिजेंट हो पाएगा कि जब बॉल आएगी तो वो खुद से उस पर सिक्स मार पाए तो ये काम हम कैसे करते हैं ये तो आ, फिजिकल ट्रेनिंग से हम सिक्स मारेंगे बट सॉफ्टवेयर कैसे ए आई काम कर करेगा उसके लिए रिसर्चर्स मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं जहाँ पे मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है कोड लिख के और फिर वो आपको आउटपुट देगा तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार एक मॉडल बना देंगे और वो हर एप्लीकेशन के लिए आपका काम करेगा तो जैसे हम क्रिकेट खेलने के लिए अलग प्रोसेस होता है फुटबॉल खेलने के लिए अलग प्रोसेस होता है वैसे ही हमारे अलग अलग गोल्स के लिए हमें अलग अलग टाइप के मॉडल्स ट्रेन करने होते हैं उसको अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है अलग तरीके से कोड लिखा जाता है तो आपको वो डिज़ायर्ड आउटपुट देगा तो ए का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो खुद से डिसीजन ले पाए खुद से सीख सके जैसे एक इंसान सीखता है चीज़ों को वैसे ही वो भी कर पाए तो इसके एग्जांपल्स आप लोगों ने आ, आ, सुने होंगे जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं गूगल ट्रांसलेशन है अभी बहुत सारे चैटबॉट के बारे में न्यूज़ आ रही है चैट जी के बारे में कि कैसे वो एक इंसान से बात कर पाता है एक मश, एक चैटबॉट एक मशीन ही है जो आपसे बात कर रहा होता है तो उसको भी बात करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए रहा होगा बहुत ट्रेनिंग चाहिए रही होगी और एक मॉडल चाहिए रहा होगा जिसको जो आपकी बातों को समझ के फिर सही तरीके से आपको रिस्पॉन्स दे सके तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स बनाना काफ़ी आसान हो, हो गया है बहुत सारे क्लाउड सर्वर्स हैं अमेजॉन है माइक्रोसॉफ्ट है आई बी है बहुत सारे क्लाउड सर्वर्स हैं जिसपे ये चीज़ें ट्रेन करना मॉडल्स बनाना बहुत आसान हो गए हैं और ये चैट जीपीटी भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे ही बिल्ड किया गया है जिससे आज बहुत लोग उस पर अच्छा रिजल्ट देख पा रहे हैं ए आई के uh, मैं एग्ज़ाम्पल्स आपको कुछ बताना चाहता हूँ उसका मेडिकल में यूज़ आ रहा है सॉफ्टवेयर में तो यूज़ आ ही रहा है लेकिन मेडिकल में थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मेडिकल का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक ए आई के लिए जैसे एक uh, मेरा फ्रेंड है जो एक ए आई कंपनी में काम कर रहा है इस टाइम पर जो लोग टी वी को डिटेक्ट करते हैं तो उन्होंने अपने ए आई को इस तरीके से बनाया जो बहुत सारे टी uh, वी का जो रिज़ल्ट आता है उसको वो उस पर उन्होंने अपना मॉडल क्रिएट किया है और वो मॉडल को जब भी आप कोई नया टेस्ट देते हैं कोई भी नया वो देते हैं टेस्ट तो वो तुरंत आपको बता देगा बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ कि इस इंसान को टीबी है कि नहीं है तो इस टाइप के एप्लीकेशंस जो कि बहुत ही यूजफुल है ह्यूमंस के लिए ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस पे काम किया जा रहा है और एआई ये मेडिकल यूज है एग्रीकल्चर में यूज है जैसे आपको ये बताना है कि एक किसान को क्या खेती करनी चाहिए आज के टाइम पर ताकि उसको मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके उसके लैंड के बेसिस पे तो इस इन सब टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको एक स्मार्ट स्मार्ट सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही आप कर सकते हैं अब ये तो हो गई बहुत अच्छी अच्छी बातें कि बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं ए से बट आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग ए को एक ख़तरा भी बता रहे हैं ह्यूम्स के लिए कैसे बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा सकती है कैसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी फायर हो रहे हैं इस टाइम पे क्योंकि ए आई टूल्स आ गए हैं अब वो कोड खुद ही लिख रहा है आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आपको डेवलपर हायर नहीं कर करने पड़ रहे हैं कोड लिखने के लिए आपने एक कोड लिखा है जो खुद ही कोड लिख रहा है तो ये सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो लोगों को डराता भी है एक फ्यूचर आप इमेजिन कीजिए जहाँ पे रोबोट्स ऐसे बनाए गए हैं ह्यूमंस जैसे जो ह्यूमंस का ही काम कर रहे हैं तो कल को वो कहीं ना कहीं एक ख़तरा पैदा हो सकता है इंसानों के लिए कि इंसानों का फिर कोई यूज नहीं बचेगा वो रोबोट्स अपने या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो भी बना हुआ है वो अपने आप को अलाइव रखने के लिए अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो सारे रिसोर्सेज वो हैक कर लेगा सिस्टम को वो लेना चाहेगा और हम लोग फिर उस केस में कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सोच समझ के इस आ, इस फील्ड पे काम करें रेगुलेटेड हो और ए जैसी स्मार्ट हाईफाई टेक्नोलॉजी के केस में हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि इसको हम कैसे डेवलप करते हैं किस पर्पज़ के लिए डेवलप करते हैं और ये रेगुलेटेड हो कंट्रोल्ड हो ताकि इसका कोई निगेटिव साइड इफ़ेक्ट फ्यूचर में ना आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ और एप्लीकेशंस uh, का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा उसका मिलिट्री में काफ़ी यूज़ हो रहा है रोबोटिक्स बनाने में uh, वैसे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है पर ये भी एक नेगेटिव uh, पॉइंट में भी बोल सकते हैं या पॉजिटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं जो बना रहे हैं उनके लिए कि कैसे रोबोट्स को यूज कर रहे हैं वो वॉर के लिए और इसी से हमें ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी uh, अच्छी है पर इसका बुरा उपयोग भी किया जा सकता है फ्यूचर में तो इसका एक दूसरा मैं अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ जैसे हम बातचीत करते हैं और इस चीज़ को कभी हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं दूसरे कंट्री में जाते हैं वहाँ लैंग्वेज की बहुत समस्या रहती है कि आपकी बात सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो वहाँ पे आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर एक ऐसा ऐप बनाया गया है जो आपकी बातों को समझ के उसको सामने वाले के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके तो इसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही सॉल्व करेंगे और ऐसी चीज़ों के लिए अभी तक बहुत सारे लैंग्वेज में बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बना लिए गए हैं लेकिन फिर भी क्योंकि लैंग्वेज बहुत सारे हैं सबके लिए आपको स्पेशली ट्रेन करना पड़ता है मॉडल को तो सारे लैंग्वेज के लिए नहीं बने हैं पर फिर भी आप देख सकते हैं जैसे इंडिया में ही बहुत सारे लैंग्वेज हैं कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हैं तो आ, काफ़ी काम चल रहा है इसके ऊपर जिससे हम लैंग्वेज के ऊपर एटलीस्ट अच्छा कमांड कर सकें और लैंग्वेज ट्रांसलेशन का, का काम अच्छे से किया जा सके इसके अलावा मैं आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि, कि लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जनरल टर्म है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इसका मतलब ये है कि अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी स्पेसिफ़िक काम के लिए बनाया जाता है वैसा ही एक मशीन होगा जो किसी भी काम को कर सकेगा तो ये सोच के आप देख सकते हैं कि, कि जितना ही एक्साइटिंग लग रहा है उतना ही ये डरावना भी लग रहा है कि क्या हम ऐसा सिस्टम कभी बना पाएँ जो कुछ भी कर सकेगा तो क्या वो हमारे ह्यूमन्स के एग्जिस्टें एग्जिस्टेंस के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा तो ऐसे बहुत ही थ्योरेटिकल अभी इस पर कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला है लोगों को पर लोग इस पर काम कर रहे हैं और हो सकता है फ्यूचर में सक्सेस मिल भी जाए तो मैं अपने इस पूरे उसको समराइज़ करना चाहूँगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी हम बनाए उसको लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितना हमें वो फ़ायदा पहुँचाएगा उतना ही हमें इसको ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके कल को विक्टिंग ना बन जाए और हमें कोई हार्म ना हो और स्पेशली एआई के केस में जिसके बारे में लोग बहुत चेतावनी ऑलरेडी दे चुके हैं कि ये ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा साबित हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं सच भी है तो हमें बहुत ही ध्यान से इस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए और इसको बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करके इसको कंट्रोल रेगुलेटेड फॉर्म में ही इस पर हमें आगे बढ़ावा देना चाहिए और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद वेल देट वॉज सम ग्रेट इंफॉर्मेशन वी विल बी बैक विद अना